इसी बंबई की एक जाल में रहा करती थी। दिन भर मेहनत मजदूरी करके शाम घर लौटती, कदम खोले की तरफ बढ़ रहे थे, मगर मेरा दिल बैठा जा रहा था। जो जो खोले नजदीक आ रही थी, मेरा खौफ बढ़ता ही जा रहा था। कुछ लोग मुझे हमदर्दी से देखते और कुछ मेरा मजाक उड़ाते, मगर मैं इन सब से बेखबर सहमी हुई चली जा रही थी। चाल के बच्चे बच्चे की जबान पर हमारा चर्चा था। रूपा, हो रही रूपा, पैसे लाए? पैसे लाए? कुछ नहीं चाची। बेचारे को काम नहीं मिला होगा, चाचा मारेंगे। इस मुंह में शराब पीली तो शर्म घोल के पी ली। अरे रूपा, चाचा के बॉर्डर में से जरा दारू देना, कि नानी को खांसी बहुत है। पैसे लाई? ला पैसे। काम नहीं मिला चाचा। काम नहीं मिला? क्यों नहीं मिला काम? ला पैसे। बाजार बंद था चाचा। सरकारी ठेका तो खुला था। बोल, अब की ताला लगे जुबान पर। चाचा नशे के बगैर मर रहा है और तुझे काम नहीं मिलता। कैसी औलाद है तू? किसी के खाने पीने की कोई फिक्र ही नहीं? खाना तो मैं बना गई थी चाचा। अरे खा तो गले भी लेते हैं। मैं पीने को रोता हूँ, पीने को। बोल अब क्या पीऊँ? खून तेरा। क्यों चक्रम, फंस गए तू? चक्रम नहीं बोल, मुंह तोड़ मुंह तोड़ने वाले पत्ते गला कर पत्ते। चलिए केश। अच्छा पैदल से मात ना दिया तो कहना। पैदल से? हाँ, पैदल से। जानता पैदल भी अपने वक्त का बादशाह होता है। क्या जाने राज की चाले बस। टास खेल, पिलास पिलास पिलास, ये कद्दू की टिक्की। बच्चा है वो। क्या क्या हुआ? झगड़ा झगड़ा रोज में ये क्या शोर मचाया जरा? राजभाषा, ये रोज रोज का धमाल ऐसा कैसा चलेगा? अक्का, रात हम लोग धंधा पानी करता है तो दिन को दो क्लाक सोना भी तो मांगता है ना। अभी तुम बोलो, इस घुमा को मैं अपन कैसे सोने सकता है? इसका बंदोबस्त करने मांगता है तुम। बेड़ा घर के सौंतरे शराबीदा, पी लवे तो नशे कमला, ना पीवे तो गुस्से पागल। राजबाबू राजबाबू राजबाबू, एक बार इशारा करो तो पुटरी तबीयत टाइट मा कर दी तो साधा नाम नहीं रहा। अरे भाई तुमरा सब चुप करो। राजबाबू हमें बंगाली शिल्पी जात, तारो पर रोज रोज एरक उत्पात हो काज की करो बोलो। अपनी एर एक ताड़ी व्यवस्था ना करले हमरा की करे बोलो। अरे जाओ जाओ जाओ, अभी बराबर करता इसको। भगवान अपना भलो करो। चलो चलो भाई, यहाँ पर आज फिर क्यों बह गया बूटा? अच्छा जी, तो ये क्यों नहीं कहती कि माल चाहता था? माल तेरे पास था नहीं? अरे हमसे ले जाती तो मार तो ना खाती। हैरान क्यों हूँ? क्या हमारे पहलू में दिल नहीं? और फिर तेरी हालत देखकर किसे रहम नहीं आएगा? बोल, तुम पैसे? नहीं, मैंने अभी तुम्हारा पिछला कर्ज भी तो नहीं चुकाया। अरे तू तो पगली, कर्ज वर्ज कैसा? ये तो पड़ोसदारी का मामला है। आज मैं तेरे काम आया, कल तू मेरे काम आएगी। नहीं, मैं इसे कर्ज समझती हूँ, तू चुका देना। आज तो अपना काम चला, क्या सोच रही?
यही कि इतना कर्ज कैसे चुकाऊंगी। अरे कभी कभी मेरा कमरा ही झाड़ पहुंच जाकर। अब फिर लोग कहते हैं कि राज बुरा है। मैंने कहा सुनो, कभी फिर पैसों की जरूरत पड़े तो शर्माना नहीं, मांग लेना। पर मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती, तुम तो फजूल अपनी जिंदगी यहाँ बर्बाद कर रही हो। कभी सोचा भी है अपनी जिंदगी के बारे में? क्या सोचूं? ये सब तो तकदीर के खेल है। तकदीर के खेल है, तकदीर खुद बनाई जाती है रूपा। सुना, क्या ढूंढ रही हो रूपा? झाड़ू। झाड़ू? खैर तो है। हाँ, तुमने तो कहा था कि कमरा साफ कर जाया करो, तुम्हारा कर्ज जो देना है। मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं राज, अरे अगर सफाई करनी है तो हमारे मन की खोली ही सफा कर दो। तेरी कसम, बड़ा कचरा भरा पड़ा। क्या कहते हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तेरा कसूर नहीं इसमें, कभी कभी तो मैं खुद भी अपने आप को समझ नहीं पाता। आओ बैठो। नहीं नहीं चाचा, गुस्से होगा, अभी तो घर की सफाई भी नहीं की। अरे घर की सफाई तो चाचा ने कर रखी है, और फिर ये काम इन हाथों के करने का नहीं। क्या मतलब? काम हाथों का है, मिलने की दुआएं करना। काम हाथों का है, मिलने की दुआएं करना। सर मिला आपके कदमों पे झुकाने के लिए, सर मिला आपके कदमों पे झुकाने के लिए, ओ झुकाने के लिए, सर मिला आपके कदमों पे झुकाने के लिए। हाँ, हुस्न की आँख में आंसू नहीं देखे जाते, हुस्न की आँख में आंसू नहीं देखे जाते। इश्क तैयार है हर नाज उठाने के लिए। हाय, आते ही ये जाने का तकाजा कैसा। दिल मिला दर्द को मेहमान बनाने के लिए, आँख बख्शी है कहीं आँख लड़ाने के लिए, ओ लड़ाने के लिए, आँख बख्शी है कहीं आँख लड़ाने के लिए। एक दिन शराब के लिए पैसे न ला सकने पर चाचा ने मुझे बड़ी बेरहमी से पीटा। शर्म नहीं आती तुझे? बेशरम कहीं की? आप दोनों वहां पेट भर खाए और चचा के लिए एक वहां पीने का भी इंतजाम नहीं? कल पैसे ले लूंगी। निकल निकल निकल, पैसे न लाए तो तेरी टांग तोड़ डालूंगा। निकल निकल निकल। मुझे ज्यादा चोट तो ना आई, लेकिन मेरी गैरत को एक जबरदस्त ठेस पहुंची। कुछ सोचता ना था, जाऊं तो कहां जाऊं, करूं तो क्या करूं। मेरे दिल से ही आवाज आई, रूपा कब तक इस तरह घुट घुट कर जिएगी? मैं वहां से चल खड़ी हुई, और उस रोज राज भी घर पर न था। मैं उस बस्ती को छोड़कर खुली सड़क पर आ गई।
मेरे कदम मुझे कहां लिए जा रहे थे ये मैं नहीं जानती। रूह चिल्लाई कि रूपा उतार फेंकी जिंदगी के बोझ को, सुकून चाहती है तो लुपट जा समंदर की इन बेकरार लहरों से जो बाहें फैला फैला कर तुझे अपनी गोद में लेने के लिए बेचैन। लेकिन लहरों ने मेरे कदम रोक दिए, जैसे वो मुझे अपनी गोद में लेने से इनकार कर रहे हो, जैसे वो मुझे पुकार पुकार के कह रहे हो मरना चाहती हो। क्या तुम अपने आप को जिंदा समझती हो? जाओ पहले जीने की कोशिश करो। बिखरा हुआ तूफान शांत हो गया, मैं उन्हीं पांव वापस चली, न जाने मुझे कब नींद ने अपनी गोद में ले लिया। बस बस जरा वैसे रहो। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी तस्वीर बना रहा हूं। मेरी तस्वीर? क्यों, किस लिए? तुम मुझे गलत समझ रही हो, तस्वीर बनाने के सिवा मेरा कोई और मतलब नहीं था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं इसे फेंक देता हूं। नहीं, लेकिन तुम ये तस्वीर क्यों बना रहे हो? इसलिए कि शायद यही मेरी तकदीर बदल दे। तस्वीर बनाना और बेचना ही मेरा काम है। अब तक तो बहुत सी बनाई हैं, मगर बिकी एक भी नहीं। अगर तुम चाहो तो ये तस्वीर पूरी हो सकती है। ऐतराज ना हो तो मेरे साथ चलो। मगर घबराओ नहीं, मैं तुम्हें 5 रुपए रोज दूंगा। 5 रुपए? 2 बोतल शराब? तुम शराब पीती हो? पीती नहीं, पिलाती हूँ, पर अब कभी नहीं पिलाऊंगी। किसको? अपने शराबी चचा को, जिसने 2 घूंट शराब न मिलने पर मुझे खाली बोतल की तरह फेंक दिया। अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। तुम मेरे साथ चलोगी? घबराओ नहीं, मैं शराब नहीं पीता। कहीं मजदूरी तो न पी जाओगे? आओ। ये मेरा स्टूडियो। स्टूडियो जहां मैं तस्वीरें बनाया करता हूं। चलो। यहां बैठ जाओ। उसी पोज में। पोज? यानी जिस तरह लैंप पोज के सहारे बैठी थी। चेहरे पर वही कैफियत पैदा करो, नाउम्मीदी, बेकसी। वो बात पैदा नहीं हो रही। वो बात? अच्छा कोशिश करती। 5 रुपए दोगे ना? अभी दे दूं? काम के बाद। लो अब तुम्हारी तस्वीर मुकम्मल हो गई। सो गई रूपा? ए रूपा, मैं कह रहा था तुम्हारी तस्वीर मुकम्मल हो गई। बस कैसी?
मुझे क्या मालूम? तुम्हें तो बस 5 रुपए मालूम है, ये लो। मगर मैं तो खंभे के सहारे बैठी थी, ये कैसे बन गई? यही तो आर्ट है। शमा, तुम दो जलने वाले। काम तो चालू रखोगे ना? गाहक तो कोई आते जाते नहीं। लाखों गाहक हैं इसके। ये मेरी पहली तस्वीर है जिसमें मेरा आर्ट जिंदा नजर आता है। इससे पहले मेरी तस्वीरें बेजान और बेरंग हुआ करती थी। पर अब तो हाथ रंग लोगे, 50 रुपए से कम में क्या बिकेगी? 50? पगली, कम से कम 1000 में जाएगी। बाप रे, मुझे मांगे से तो कोई एक आना भी न दे और मेरी तस्वीर 1000 रुपए में बिकेगी। भूख, हमारा दूसरा शाकर तैयार हो गया। तो फिर तीसरे के लिए तैयार हो जाओ। बहुत अच्छे, जरा यूं ही रहना। मैं गरीबी के हर एहसास को एक शक्ल दे देना चाहता हूं। तुमने इस भूख में तो सचमुच जान डाल दी। ये भूख तो एक दिन जरूर कायमत बर्पा कर देगी। नुमाइश में अगर नाम न लिया तो कहना। जी चाहता है बनाने वाले के हाथ चूम लूं। अब तो कामयाबी जरूर मेरे कदम चूमेगी। ये तुमने तस्वीरें बनाना किससे सीखा? तुमको चित्रकार किसने बनाया? ऐसे लोग बना नहीं करते, पैदा हुआ करते हैं। पैदा तो मैं भी हुई थी पर कुछ भी नहीं बनी। और ये तुम ही तो। ये जरूर 100 रुपए में बिकेगी। 100, 500, 1000, 2000, फिर 3000, 4000, फिर हम बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे, हमारे पास बहुत रुपए हो जाएंगे। देवी, तुम शायद इन्हें नहीं जानती, ये हैं डॉक्टर बोस, गले के स्पेशलिस्ट। गले के स्पेशलिस्ट। और ये सिर्फ छोटू भाई, शहर के बहुत बड़े जौहरी। अरे ब्लाउज तो खूब है, ऐसा सिक्की बस। तुम्हारी कसम हेरोइन मालूम होती हो। मेरे सालगिरह पर भी यही पहन के आना। दीदी आपके भला कौन सी सालगिरह होगी तुम्हारी? वही 16वीं। हेलो दीदी, आज तो तुम्हें गाना होगा। नहीं, चार ही दिन में कहाँ से कहाँ पहुँच गया शो।
आठ बाकी बड़ी चीज है। अरे छोड़ो यार, औरत बड़ी चीज है। मुर्ग का दूसरा काम किधर गया? ये मुर्ग लंगड़ा था। थैंक यू। अरे भाई अशोक, हमारा कर्ज कब चुकाते हो यार? कैसा कर्ज भाई? हम में से किसकी शादी की पार्टी नहीं बुलाई तुमने और खुद अभी तक ब्रह्मचारी बने बैठे? बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो हुआ, अब शिकायत कब दूर करते हो? शायद बहुत जल्दी। सालगिरह मुबारक। चले गए? कोई हर्ज नहीं यार, तुमने गजब किया, तुम्हारी शादी ख्वाब देख रहा था। अच्छा तो चलो, नमस्ते। नमस्ते।
कैसी रही पार्टी? बहुत अच्छी। आज मैं बहुत खुश हूँ रूपा, सब दोस्त मुझ पर रश कर रहे थे और मैं इसे तुम्हारी मेहरबानी समझता हूँ। शुक्रिया। मगर वर्मन शिकायत कर रहा था कि मैंने अब तक उनका कर्ज दबा रखा है। कर्ज? कर्ज तो मुझे भी देना है। किसका? था चाल में एक लड़का, बेचारा कभी कभी अपनी जेब से कुछ देकर मुझे चचा की मार से बचा लिया करता था। कहीं मिल जाए तो सूद समेत चुका दूं। मैंने तो चुकाने का वादा कर लिया। मगर ये कर्ज कैसा? शादी की पार्टी। सच? आ गया शादी का ख्याल? मैं तो समझी थी आप तस्वीरों से ही दिल बहलाते रहेंगे। तस्वीरों ने तो हमारी दुनिया बदल दी रूपा, फिर भी न जाने क्यों हर चीज में किसी चीज की कमी महसूस होती है। हर शय में एक अधूरापन। और क्या ख्याल है तुम्हारा? वही जो आपका। रूपा, कब चुका रहे हैं दोस्तों का कर्ज? ये भी खूब रही, तुमसे बात किए बगैर। भला मुझसे बात करने की क्या जरूरत है? तारीख का ऐलान कर दिया होता। मगर शादी की तारीख तो तुम ही मुकर्रर करोगी। जिगर देख तो लो, तुमको फुर्सत हो, तुमको फुर्सत हो, मेरी जान तो इधर देख तो लो, तुमको फुर्सत हो। दिल बर्बाद को आबाद करो या न करो, दिल बर्बाद को आबाद करो या न करो, कम से कम तुम मेरा, कम से कम तुम मेरा उजड़ा हुआ घर देख तो लो, तुमको फुर्सत हो, तुमको फुर्सत हो, मेरी जान तो इधर देख तो लो, तुमको फुर्सत हो।
राज, अरे तू? हेलो, कब से गला फाड़ रहा हूँ, पहचानती हो? भला कभी भूल सकती? कर्ज जो देना। कर्ज देने वाले अक्सर भूल जाया करते, मगर लेने वाला कभी नहीं भूलता। लेकिन तुम हो बड़ी बेदर्द, मुड़ के सूरत तक नहीं देखी चाल की। चशा कैसे, क्या अभी शराब पीते? उन्हें तो कब का शराब पी गई। खैर, मुझे इतना अफसोस हुआ तुम्हारे वहां से चले आने का, पूछो मत, चाल सुनी हो गई थी। डर यही था कि चाल से निकल कर तुम किसी के जाल में न फंस जाओ। क्या बताएं तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, मगर तुम मिलती कहां से? मैं तुझे जमीन पर ढूंढ रहा था और तुम आसमान पर बैठी थी। सूरत तो तुम्हारी भी बदल गई। सीरत वही है। अच्छा ये बताओ, चाल के दिन भी याद आते हैं? वो धूमधाम, वो रोज की धमाल, वो बुमा बोम और वो शिल्पीर जात बंगाली, याद है? राज बाबू एक गोंडो गोल्टा, एक व्यापस्ता कोरोना नंबर घूम पाची, एक पाची वो पाची। अरे सुनो सुनो, तुम्हें याद है वो नथु पंजाबी रोज कहा करता था, राज बादशाह तुम साढ़े को हुक्म दियो तो इस बुड्ढे के टिपरे टाइट कर। इनसे मिलो, ये हैं अशोक बाबू, मशहूर चित्रकार, मेरे मोहसिन। छोड़े इसे, आपकी तारीफ। अजी तारीफ तो आपकी है, खाकसार को तो। ये मेरे पुराने पड़ोसी है राज। हाँ सिर्फ राज, बाबू नहीं। अब तो मैंने वो जगह भी छोड़ दी। छोड़ दी? क्यों? वो हमारा खई क्या है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ जी, आप लोग चलिए, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। वाह वाह, क्या कहने, यहाँ तो तस्वीरों का जाल फैला हुआ है। हाथ की सफाई काबिल तारीफ है। शुक्रिया। आप कोई और भी तस्वीरें बनाते हैं या सिर्फ लड़कियों की ही? आप बहुत जिंदा दिन मालूम होते हैं। आपने हमें खुशकिस्मत कैसे बना दिया? खुशकिस्मत है वो लोग जो खुद भी जी भर कर हंस लेते हैं और दूसरों को भी हंसा सकते हैं। अजी हंसना तो हमारी गुट्टी में, हमारी माँ कहा करती थी कि जब मैं पैदा हुआ बजाय रोने के हंस रहा था। तो क्या आपके आंखों में कभी आंसू नहीं आए? अजी ये शायरी हमने कभी नहीं की, हम तो इतना जानते हैं कि हंसो तो दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी और अगर तुम रो तो तुम्हें अकेले रोना पड़ेगा। चलिए खाना खा ले। चलिए चलिए। मगर मैं तो अभी अभी नाश्ता करके आया हूँ, बहुत से अमरूद खाए। लीजिए, आप भी शौक फरमाइए, बहुत अच्छे। खाइए खाइए खाइए। शुक्रिया। कैसा, आप ही का तो माल है, माली जरा होशियार होना चाहिए वरना बाग लूट जाएगा। चलिए। वाह वाह, आहा, ये चांदी का है ना? मेड इन इंग्लैंड। ये सब सामान अशोक बाबू ने डायरेक्ट इंग्लैंड से मंगवाकर मुझे मेरे जन्मदिन पर प्रेजेंट किया था। मरना जाए तो क्या करे कोई। ये लो, अमेरिका का मुरब्बा, मेड इन USA। मेरे ख्याल से इस कमरे में सिर्फ हम ही मेड इन जापान है। बातें तो बड़े मजे की करते हैं साहब। दावत भी तो मजे की है और फिर अमरूद खाकर भूख लगती भी खूब है। वो पौधा अशोक बाबू का लगाया हुआ है। ये तो किस्मत की बात है, लगाए कोई और खाए कोई। भाई मैं तो दो अमरूद रोज ले जाया करूंगा। दो क्या, सारा बाग ही तुम्हारा? इसमें क्या शक है, इसमें नाम से खाइए। वाह 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 वाह। लेकिन राज, याद है वो दिन जब तुम चाल में फिल्मी गाने गाया करते थे? गाया करते थे क्या माने, अब भी तो गाता हूँ। आइए आइए अशोक बाबू, आइए आइए। Ah
मत वाला नाक संभाला, दिल मत वाला नाक संभाला, फिर भी किसी पर आ ही गया शोख नजर से देखने वाला, शोख नजर से देखने वाला, प्यार का रोग लगा ही गया, दिल मत वाला नाक संभाला। नई उमंगे नया जमाना, नई तरंगे नया तराना, नई उमंगे नया जमाना, नई तरंगे नया तराना, मस्त नजर से तीर चला के, मस्त नजर से तीर चला के, कोई हमें तड़पा ही गया, दिल मत वाला नाक संभाला। ओ मदहोश निगाहों वाले, तेरी कसम दिल तेरे हवाले, ओ मदहोश निगाहों वाले, तेरी कसम दिल तेरे हवाले, देखा इस अंदाज से तुमने, देखा इस अंदाज से तुमने, प्यार किसी को आ ही गया, दिल मत वाला नाक संभाला। कर गए बातें दो मत वाले, देखते रह गए देखने वाले, कर गए बातें दो मत वाले, देखते रह गए देखने वाले, कोई किसी को राज़े मोहब्बत, कोई किसी को राज़े मोहब्बत, आँखों में समझा ही गया, दिल मत वाला नाक संभाला, फिर भी किसी पर आ ही गया, दिल मत वाला नाक संभाला। खूब खूब शुक्रिया। अच्छा अभी जाने दीजिए बस। हाँ हाँ कभी कभी आ जाए कीजिए, कहिए तो रोज आ जाए करूं, अब तो घर देख लिया। भाई आपके बाग के अमरूद बहुत मीठे हैं, मगर अंगूर जरा खट्टे। बहुत खूब। अच्छा अच्छा इजाजत दीजिए। ये तुम्हारा आर्टिस्ट आदमी गहरा जान पड़ता है। अच्छा बच्चा कल जरूर आना, कहो तो आज ही ना जाओ। नमस्ते। Thank you.
किस्मत वाला लाख संभाला फिर भी किसी पर आ ही गया, फिर भी किसी पर आ ही गया। शोक नजर से देखने वाला प्यार का रोग लगा ही गया, प्यार का रोग लगा ही गया। नई उमंगे नया जमाना नई तरंगे नया तराना, नई उमंगे नया जमाना नई तरंगे नया तराना। मस्त नजर के तीर चला कर कोई हमें तड़पा ही गया, कोई हमें तड़पा ही गया। दिल मत वाला लाख संभाला फिर भी किसी पर आ ही गया, फिर भी किसी पर आ ही गया। ओ मत होश निगाहों वाले तेरे कसम दिल तेरे हवाले, ओ मत होश निगाहों वाले तेरे कसम दिल तेरे हवाले। देखा इस अंदाज से तूने प्यार किसी को आ ही गया, प्यार किसी को आ ही गया। दिल मत वाला लाख संभाला फिर भी किसी पर आ ही गया, फिर भी किसी पर आ ही गया। कर गए बातें दो मत वाले देखते रह गए देखने वाले, कर गए बातें दो मत वाले देखने वाले। कोई किसी को राज मोहब्बत आँखों में समझा ही गया, आँखों में समझा ही गया। कोई किसी को राज मोहब्बत आँखों में समझा ही गया, आँखों में समझा ही गया। दिल मत वाला लाख संभाला फिर भी किसी पर आ ही गया, फिर भी किसी पर आ ही गया। आज क्या बात है मालकिन जो कल तक नहीं थी नीली? ये मेरे बगैर ही तस्वीर बन रही है, क्या बात है आज? एक अधूरा सा ख्याल है जिसे मैं... मुझे दिखाइए, मैं शायद पूरा कर सकूं। बहुत ऊंचा ख्याल है, शायद तुम समझ ना सको, बन जाने पर देख लेना। और दूसरी तस्वीर तैयार करें, बैठ जाओ। किस पोज में? आज तुम ही बताओ। अच्छा सोचती, बस यूं ही सोचने के अंदाज में। मगर अब क्या सोचूं? यही तो वक्त है सोचने का, जमाना बड़ा नाजुक है रूपा, और फिर जवानी दीवानी होती है। जवानी दीवानी हो या ना हो, चित्रकार जरूर दीवाना होता है। बात कहीं से कहीं ले गए। भगवान न करे बात कहीं से कहीं चली जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा तबीयत ठीक नहीं। आप काम भी तो बहुत ज्यादा करते, किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? डॉक्टर तो आज दूसरी बार देख चुका है। क्या कहता है? बीमारी समझा नहीं। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है? मालकन, राजबाबू आए हैं। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। इधर भी तो देखो, मुझे ख्याल था तुम जरूर आओगे। बस तुम्हारा ख्याल ही खींच लाया। इनमें से कौन सी पसंद है तुम्हें? यूं तो सबकी सब, मगर ये
कहानी, मगर उससे भी ज्यादा दो जलने वाले। तुम्हारी और अशोक की पसंद एक है। ये मुझे उस जमाने की याद दिलाती है जब रूपा की सादगी ही उसका जेवर थी, जब रूपा सिर्फ रूपा थी और मिस रूपा दी ग्रेट नहीं। तो ये तस्वीर ले जा। शुक्रिया। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। लेकिन खैर, तुम्हारी तरफ से मेरी सालगिरह का तोहफा ही सही। आज तुम्हारी सालगिरह है? जी, चलिए। कहाँ? जहाँ कोई ना हो। अरे, हम अशोक बाबू को तो भूल ही गए, उन्हें इस खुशी में शामिल नहीं करोगे? अब अगले बरस से। चलिए। रूपा, रूपा। क्या हुआ अशोक बाबू? रूपा, ये तस्वीर क्या हुई? वो तो मैंने राज को उसकी सालगिरह पर दे दी। मुझे माफ कीजिए अशोक बाबू, न मालूम मैं क्यों भूल गई कि वो तस्वीर आपको बहुत प्यारी थी। मैं उसे वापस ले लूंगी। तोहफा वापस नहीं लिया जाता रूपा। लेकिन राज कोई गैर थोड़ी है। चलिए ना, आप फिर से वही तस्वीर बना लीजिए, मैं उसी पोज में बैठती हूँ। जाना दो रूपा। चलिए ना अशोक बाबू, प्लीज चलिए। आप रुक क्यों गए? क्या बात है? अब वो बात नहीं आ सकती रूपा। कैसे नहीं आ सकती? वही मैं, वही आप, कोई बदल तो नहीं गए? मैं तो नहीं बदला, अलबत्ता तुम कुछ जरूर बदल रही हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो अपने आप में कोई तब्दीली महसूस नहीं की। वक्त की रफ्तार के साथ होने वाली तब्दीली अपने आप को बहुत कम महसूस होती रूपा। मगर मैं देख रहा हूँ कि अब तुम्हें अपने काम से वो दिलचस्पी नहीं रही। ये महज आपका ख्याल है। हाँ, कभी कभी दिल उकता जाता है तो राज के साथ घूमने जरूर चली जाती। मेरा मतलब तुम्हारी आजादी छीनने से नहीं, लेकिन पहले भी मैं तुमसे कह चुका हूँ कि जमाना बड़ा नाजुक है, जहाँ हर कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है। आप तो बस जरा सी बात को। क्या हुआ? देखा तुमने, जिस तरह तस्वीर पर पड़ी हुई गलत लकीर तस्वीर की खूबसूरती और मुसव्वर की तमाम मेहनत पर पानी फेर देती है, उसी तरह जवानी की एक छोटी सी गलती इंसान की जिंदगी को बर्बाद करके रख देती है। ये ठीक है, लेकिन किसी के साथ घूमने से कोई मुसीबत तो नहीं आ जाती? मुसीबत पूछ कर नहीं आया करती रूपा। मैं अंदर आ सकता हूँ? बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी अभी। जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि इस महफिल में। आपको मेरा आना नागवार तो नहीं गुजरा? ये आपने कैसे सोचा? बात यह है कि मैं एक आध दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, सोचा आपसे मिलता चलूं, कहीं गिला ना करे। आप अपने काम जारी रखिए। मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है, दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है।
अशोक बाबू, अब जी नहीं चाहता, कहिए तो सुबह सुबह घूमो, कहीं सुबह से शाम ना हो जाए रूपा। अच्छा आराम से। ये वही तस्वीर बना रहे थे ना? हाँ। मेरा ख्याल है अशोक बाबू उस तस्वीर का बुरा मान गए। नहीं, वो मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानते। फिर तो अच्छा है, लेकिन भाई आर्टिस्ट ठहरे, मूड बदलते देर नहीं लगती, कहीं बिगड़ बैठे तो? तुम अशोक बाबू को नहीं समझे, उन्होंने तो मुझे इस घर का मालिक बना रखा है। होगा, मगर यकीन नहीं आता। 50,000 का तो सिर्फ ये एक हारी है, कभी पूछा तक नहीं कहाँ रखती हो। कहाँ रखती हो? डाके डालने का इरादा? हाँ। जरूरत हो तो 10-20,000 दो। शुक्रिया, अपना हाथ पड़ गया तो लाखों ही अपने होंगे। ऐसा क्या बिजनेस है? बस ऐसा ही है, चल निकला तो ठाट देखिएगा। ठाट तो अभी बड़े। हाजी बंदा किस काबिल है, वो तो ये कहिए कि आप ऐसे एक मेहरबान मिल गए, काम तसल्ली बख्शता, नौकर से साफ बन गया। मेरे साहबी बन गए या कुछ क्रिकेट भी आती? बस काम चला लेता हूँ। कैसे? जैसे आई लव यू। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? कोई प्राइवेट क्लब है क्या? अपने ही समझो, यहाँ आज एक पार्टी है, बड़ा मजा रहेगा। लेकिन मैं बगैर दावत के कैसे जा सकती हूँ? ऐसे जिनका जिक्र मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ, और आप हैं इस क्लब के मालिक लिली। मुझे नाचना नहीं आता। मुझे नचाना आता है।
Hello, Raj. Hello. Kaho bhai. Kaun hai? Hai koi, phir bataunga. Acha. Haan ji. गाड़ी ले जा, सुबह ले आना। बस आओ, जरा बैठो, बातें करें। वक्त मालूम है, आज अशोक बाबू बहुत नाराज होंगे। तो जाओ। नाराज हो गए? मैं अशोक बाबू नहीं। क्या बात है, क्या सोचने लगे? सोच रहा था आज जी भर के बातें कर ले। कल कौन रास्ता रोकने लगा है? रास्ता रुकते देर नहीं लगती रूपा। छोड़ो, ऐसी बातें नहीं सोचा करते। अच्छा, अब मैं जाऊं। मैं कल आऊं। बाय बाय। बाय बाय। रूपा, आप? मुझे तुमसे कुछ कहना है रूपा। इस वक्त भी सुन लो तो गनीमत है, ये इतनी रात गए। आज सचमुच बहुत देर हो गई अशोक बाबू, हम जरा दूर निकल गए थे। तुम अब बहुत दूर निकल गई हो रूपा, इतनी दूर की जहां से लौटना शायद अब तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। माफ कीजिए अशोक बाबू, मैं कोई बच्ची नहीं जो रास्ता भूल जाऊं। मुश्किल तो यही है कि तुम बच्ची नहीं हो,
जवान और जवानी में रास्ता भूलते देर नहीं लगती। आपका मतलब? एक शरीफ लड़की का रात रात भर अपने घर से गायब रहना अपनों का सर झुका देने के लिए काफी होता रूपा। अशोक बाबू। हाँ रूपा, मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ता है कि तुम जिस रास्ते पर जा रही हो वो बर्बादी और तबाही का रास्ता है। साफ साफ क्यों नहीं कहते? क्या आपको रात से मेरा मेलजोल पसंद नहीं? हर शरीफ इंसान ऐसे आदमी का मेलजोल ना पसंद करेगा जिसका मकसद महज किसी की सादगी पर डाका डालना हो। हैरान क्यों होंगे? राज को तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे हालात से दिलचस्पी। उसके निगाह में तुम्हारी सूरत नहीं बल्कि दौलत घूम रही है। दौलत, सिर्फ दौलत। गलत, बिल्कुल गलत। मैं ये कभी नहीं मान सकती। न जाने क्यों आप राज को मेरी नजरों से गिराना चाहते। मुझे डर है रूपा के जमाना कहीं तुमको अपनी नजरों से न गिरा दे। तुमने राज को? मैं राज को आपसे बेहतर समझती। 18 बरस की छोटी सी उम्र जिसमें तजर्बे का एक दिन भी शामिल ना हो उस चार दिन में राज जैसे एक चालाक शख्स को कैसे पहचान सकती? उसकी बुराई का कोई सबूत है तुम्हारे पास? आप सबूत? तुम खुद एक सबूत हो। राज के आने से पहले तुम में अदब था और अब गुस्ताखी। फिर भी तुम्हें समझा देना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। मैं नहीं चाहता। मैं खूब समझती हूँ आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ आपका मॉडल बनकर रह जाऊं। आप चाहते हैं कि कोई अपनी तमन्नाओं के खून से आपकी बेजान तस्वीरों में रंग भरता रहे। आप चाहते हैं? रूपा, मैं तुम्हारी भलाई के सिवा कुछ नहीं चाहता। मगर मुझे मालूम न था कि तुम जवानी के जोश में अपने उस हमदर्द पर भी ऐसा इल्जाम लगा सकती हो जिसने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया और वहां से गिरते हुए नहीं देख सकता। बहुत अच्छा। अगर आप मुझे एहसान की जंजीर में जकड़ कर रखना चाहते हैं तो यूं ही सही। मैं अब रात से कभी नहीं मिलूंगी। नहीं मिलूंगी, नहीं मिलूंगी। नीली, रूपा को हमारे आने की खबर कर दो। जी, वो तो घर पर नहीं है। क्यों, कहाँ गई? जी वो तो, ये मैं नहीं जानती। मैं जान गया मगर अब इस बेरुखी का सबब जानना चाहता हूँ। चलो नीली, रूपा से कहना ये मुझे किस कसूर की सजा दी जा रही है। आखिर ऐसा कौन सा जुर्म किया जो मुझसे मिलना नहीं चाहती? नीली, रूपा से कहने के राज उससे मिले बगैर नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, चाहे चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। लगाए बैठे हैं दीदार की प्यासी आंखों में, दीदार की प्यासी आंखों में। तूफान छुपाए बैठे हैं, तू आए न आए तेरी खुशी। दर्दे मोहब्बत तेरी कसम दिल हमने लगा के देख लिया। ऐ दर्दे मोहब्बत तेरी कसम दिल हमने लगा के देख लिया। गैरों से गिला क्या अपने ही, गैरों से गिला क्या अपने ही। जब आँख चुराए बैठे हैं गैरों से गिला क्या अपने ही। जब आँख चुराए बैठे हैं तू आए न आए तेरी खुशी। इतना तो बता दे ओ जालिम
अब नजरों से क्यों दूर है तू। तू कह दे अगर तो उठ जाए, तू कह दे अगर तो उठ जाए, हम तेरे बिठाए बैठे हैं। तू कह दे अगर तो उठ जाए, हम तेरे बिठाए बैठे हैं, तू आए न आए तेरी खुशी। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं फैसला कर चुका था यहाँ से मेरे कदम नहीं लाश उठेगी। लाश उठे तुम्हारे दुश्मनों की? दुश्मन बड़े सख्त जान होते हैं दीपा। न जाने अशोक बाबू ऐसा क्यों समझते कि तुम मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करते हो। मुझे तुम्हारी हर चीज से प्यार है रूपा, यहाँ तक कि उस अदा से भी जिसने मुझे तुम्हारी जुदाई में इतना दूर तक पाया। अशोक बाबू ठीक कहते हैं, उन्हें ऐसा ही सोचना चाहिए। गरीब की मोहब्बत भी तो गरीब होती है। मुझे मालूम ना था कि मेरी मोहब्बत को दौलत की तराजू में तोला जाएगा। ये बात नहीं है राज, तुम्हें दुनिया का मुंह बंद करने के लिए अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। क्या मतलब? राज, अगर मैंने अशोक की दी हुई दौलत उसे वापस कर दी तो तुम्हारी मोहब्बत में कमी तो ना होगी। बोलो राज, खामोश क्यों, जवाब क्यों नहीं? मुझे तुमसे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी रूपा। तुम्हें खुश करने के लिए मेरे पास मोटरें और बंगले तो नहीं, मगर एक मोहब्बत भरा दिल जरूर है। मैं तुम्हें जवाहरात के हार तो शायद कभी पेश न कर सकूं, मगर मोहब्बत की सच्चे मोती जिन्हें दुनिया की जबान में आंसू कहते हैं जिंदगी भर तुम्हारे नाम पर लुटा सकता हूं। राज, राज मुझे यहां से ले चल, अब मैं यहां नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से ले चलो राज, मैं कल रात 10 बजे तुम्हारा इंतजार करूँगा, देखना कहीं इंतजार ही न करती रहे। अरे पगली, मैं तो खुद इस दिन का इंतजार कर रहा था। कर खा गई खूब, वादा पूरा किया तुमने। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रूपा कि तुम, और मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी क्या आप किसी गरीब पर झूठे इल्जाम लगाकर उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने की कोशिश करेंगे। देखी नहीं उसकी हालत, क्या भी उस बेचारे की नियत पर शक है आपको? शक नहीं बल्कि यकीन है कि उस बेचारे की नजरें तुम्हारे दौलत पर लगी। दौलत, दौलत, दौलत में मरने वाली इतनी बेचैनी से किसी का इंतजार नहीं किया करते। तुमने शायद किसी शिकारी को पानी में कांटा फेंक कर इंतजार करते हुए नहीं देखा, मगर रातें आंखों में काटते किसी को नहीं देखा। एक लुटेरा किसी को लूटने के लिए आंखों में रातें भी काट सकता है, लेकिन रोरो की आंखें लाल नहीं कर लिया करता। वो इसलिए कि तुम उसकी आंखों का असली रंग न देख सको, और फिर उसे अपने आंसुओं की कीमत मालूम थी। उसे यकीन था कि तुम आकर खींच चली आओगी। और मुझे अफसोस है कि मैं पहले ही क्यों न चली गई, क्यों किसी गरीब की दुनिया लूटते देखती रही। दुनिया तो अब भी लूट रही है रूपा, लेकिन तुम्हें खबर नहीं, कहीं ऐसा न हो कि यह दुनिया लूट जाए और तुम हाथ मलती रह जाओ। कैसी बातें करते हैं आप, क्या आप समझते हैं वो चांदी के टुकड़ों की झूठी आस में इस तूफान का मुकाबला करता रहा है? बेशक हवस ने जो आग उसके दिल में लगा रखी, उसके सामने क्या हकीकत है इन पानी के चार छिंटों की। और वो तो खुद एक बहुत बड़ा तूफान है जो तुम्हारे साथ शायद किसी और को भी ले डूबे। शिकारी, चोर, लुटेरा, जमाने भर की गालियां दे डाली आपने, लेकिन क्या मजाल जो एक लफ्ज भी उसने आपकी शान के खिलाफ कहा हो, क्या ये उसकी शराफत नहीं? एक मक्कार शख्स अपना मतलब निकालने के लिए कभी कभी शराफत को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर लिया करता है। अशोक बाबू, मैं अब अपने राज की बुराई सुनने के लिए तैयार नहीं। रूपा, जिस तरह रूपा के बगैर आपको अपनी कला अधूरी मालूम होती है, उसी तरह राज के बगैर रूपा को अपनी जिंदगी अधूरी मालूम होती है। मैं कल राज के साथ जा रही हूँ हमेशा के लिए।
और जबकि मुझे यकीन है कि वो सिर्फ मुझे चाहता है, तो मैं अपना सब कुछ साथ लेकर क्यों न जाऊं? मालकन, आपका हार मेरे गले में। जल्दी करो लीली, वक्त बहुत कम है। फिर सोच लीजिए मालकन कि आप नीली, तुम्हें मेरे मामले में बोलने का कोई हक नहीं। मैं अपना बुरा भला तुमसे बेहतर समझती हूँ। सामान जल्दी मांगो। रुक जाओ, अभी वक्त है रूपा, अपने कदम यहीं रोक लो। मेरा वक्त जाया न कीजिए अशोक बाबू। मैं डरता हूँ रूपा, कहीं वक्त तुम्हें न जाया कर दे। तुम वहां जा रही हो जहां। मुझे जाने दीजिए, गांव सड़क पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। यूं कहो एक भूखा भेड़िया चश्मे पर एक प्यासी बकरी का इंतजार कर रहा है। अशोक, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मेरे आखिरी लफ्ज सुनती जाओ कि तुम आग से खेलने जा रही हो। मैं चिल्लाऊं तो तुम पानी लेकर ना आना। तुम चिल्लाओगी रूपा, मगर शायद मैं आ ना सकूं। एक हारी है। कहा है रखती? क्यों, डाका डालने का इरादा? उसके निगाह में तुम्हारी सूरत नहीं बल्कि दौलत घूम रही है। दौलत, सिर्फ दौलत। अगर मैंने अशोक की दी हुई दौलत उसे वापस कर दी तो तुम्हारी मोहब्बत में कोई कमी तो ना होगी? बोलो राज, जवाब क्यों नहीं देते? मुझे तुमसे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी रूपा। Money.
खाली हाथ आ रही थी, मैं कैसे उसे कहता कि अपने जेवर का पकड़ साथ लेती आने? पागल, वो अपने साथ सब कुछ लेकर आ रही थी, सील ने खुद अपनी आंखों से देखा। क्या राज, तुम क्या जानो इन भोली भाली शक्ल वालों की चालें, वो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी और तुम मेरे बेवकूफ निकले, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाओ और कोई बहाना बनाकर पहुंच जाओ। नहीं शीर, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तो रुपया उसे हम भूल बैठे? मैंने माना अडवाणी को, तुमने मुझे रुपया दिया और वो मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन क्या मैंने उसे वापस करने की पूरी कोशिश नहीं की? हम कुछ नहीं जानते, और ये तुम्हारी जिंदगी में पहली लड़की तो है नहीं, और तुम अपना काम खूब अच्छी तरह से जानते हो। महाराज, अपना और हम लोगों का वक्त जाया न करो। मालकन, दो दिन हो गए ना आपने खाना खाया ना अशोक बाबू ने, आप इधर खामोश उधर वो परेशान हैं, आखिर कब तक आप लोग एक दूसरे से बात किए बगैर रहेंगे? राज बाबू को भूल जाइए मालकन, वो आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गए हैं, और आप जानती हैं कि वो वापस कभी नहीं आएंगे। रूपा, रूपा, तुम मुझे झूठा, फरेबी, दगाबाज, न जाने क्या क्या समझ रही होगी, और तुम्हारा ऐसा समझना ठीक भी तो है, मगर थोड़ी देर के लिए यह समझने की कोशिश करो रूपा, कि वो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने बाहर बनकर मेरा रास्ता रोक लिया। मेरी तरफ देखो रूपा, मेरी बात तो सुन लो। मैं मानता हूं मेरी वजह से तुम्हें गहरा सदमा पहुंचा है, और इसीलिए बेकसूर होते हुए भी मुझे तुम्हारे सामने आने की कभी जरूरत नहीं होती थी। शायद शायद मैं तुम्हें जिंदगी भर अपनी सूरत ना दिखा सकता। तुम चुप क्यों हो रूपा? रूपा, मुझसे बोलती क्यों नहीं? रूपा, मुझे माफ नहीं करना चाहती तो ना सही, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, वक्त अपने आप तुम्हें सब कुछ बता देगा, मगर अब मुझ पर नहीं तो कम से कम अपने आप पर तो रहम करो, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। मैं तुम्हें यहां अकेले आहें भरने और आंसू बहाने के लिए नहीं छोड़ सकता, शायद अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए वो जगह ना हो सके, मगर मुझे अपना दोस्त और हमदर्द समझने में तो कोई बुराई नहीं। मैं तुम्हें यहां रहकर पागल होने नहीं दूंगा रूपा, कल तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा रूपा। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी हालत देखकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही है, तुम मेरी जिंदगी हो रूपा, और कोई आदमी अपनी जिंदगी को बर्बाद होते नहीं देख सकता। मैं अपने उन ख्वाबों को पूरा होते देखना चाहता हूं
जिन्हें तकदीर ने अधूरा छोड़ दिया। मैं कल रात के 10 बजे यहां पहुंच जाऊंगा, तैयार रहना ठीक 10 बजे। रो रही है पगली? रो नहीं, ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं मालकिन। आप तो जानती हैं, इतना कुछ हो जाने पर भी आप फिर। अब उस बात को छोड़ो नीनी, बीती बातें याद करने से क्या हासिल। मगर अब तो भूलना कीजिए, राज बाबू आपके साथ इसे फायदा उठाना चाहते हैं। मैंने ये बहुत सोच समझ कर फैसला किया है नीनी, जल्दी करो देर हो रही है। मैं कुछ भूल तो नहीं गई? याद कर दीजिए। ओ आपके जेवर। रूपा, रूपा, रूपा जल्दी करो रूपा, कहीं गाड़ी ना छूट जाए। इसे नीचे रख दो। नहीं, इसे तुम अपने पास रख लो, मेरे तमाम जेवर हैं इसमें। वो तुम्हारा हार? हार और जीत सब इसी में है, ख्याल रखना। मेरी नजर में है। चलो मैं अभी आया। हा? आज काम हो जाना चाहिए। आज? जी आज। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, बहुत वायदे हो चुके। 50,000 कोई छोटी रकम नहीं है। घबराओ नहीं, 2 दिन और ठहर जाओ। तो कल तक जरूर होना चाहिए। कल तो मुश्किल है, तो हम तुम्हारी मुश्किल आसान किए देते हैं। तो फिर हमें दे दो। अगर रुपए की बजाय 50,000 का हार मिले तो? क्यों
कैसी है तबीयत? मैंने कहा नहीं था माहौल बदलते ही तबीयत भी संभल जाएगी। मगर तुम क्यों परेशान? क्या बात है, क्या देख रहे थे? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो तुम्हारे जेवरों का पक्ष नजर नहीं आता। वो रहा, देखो जरा संभाल के रखो, होटल का मामला है, कोई हाथ साफ कर गया तो जान नहीं चाहिए हाथ साफ करने वाले को। बड़ी फूटी हो, चोर से ज्यादा माल वाले को खतरा होता है। अच्छा मैं जरा कपड़े बदलाऊं, फिर बैठ कर बातें करेंगे। राज, आज मैं बहुत थक गई, तुम भी थक गए होगे, चल बातें करेंगे, जाके आराम करो। हमें आराम का, तुम्हें चाल में से इसलिए नहीं निकाला कि तुम हमसे चालबाजी शुरू कर दो। पहले तो कहा कि मैं दाना फेंक रहा हूँ और फिर कहा कि चिड़िया फंस गई और अब कह दो उड़ गई। नहीं कांती बाबू, मैं वादा करता हूँ। हमें वादा नहीं, रुपया चाहिए रुपया, और वो भी 24 घंटे के अंदर। तो क्या गलत है बाबू, शूट कर दूं? इसकी क्या जरूरत है, रूपा के साथ घूमने फिरने तो जाते ही हो, मौका देखकर पहाड़ी पर से ढकेल देना, समझे? हाँ समझा। इधर आओ राज। देखा तुम ऊंचाई पर पहुंचने में कितनी देर लगती। लेकिन गिरते देर नहीं लगती। कहती हो तुम, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं जिंदगी और मौत के दरमियान कितना थोड़ा फासला है। लेकिन कुछ बदनसीब अपनी मौत से पहले ही मर जाते हैं। उस लड़की से मोहब्बत करने लगा। शायद उसको अपनी जिंदगी से मोहब्बत नहीं रही। मुझे तो शक है कि वो हमारी आंखों में धूल डालकर चलता ना बने। जाएगा कहाँ, आज उसे आखिरी वार्निंग दे दो। कल सुबह सुबह चले चलेंगे राज। सुबह? बहुत सर्दी होती है सुबह। कोई बात नहीं, मुझे ठंड अच्छी लगती है। इसे तो मैं भूल ही जाती हूँ। जरा ऐसे चाची की इसको अंदर तो रख दो अलमारी में। बहुत लापरवाह हो तो, संभाल के रखा कर, तुम जरूर इसे ठिकाने लगा कर छोड़ो। तुम फिक्र ना करो, इसे कोई नहीं उठाएगा। एक बात पूछूं राज, तुम कभी कभी बेचैन से क्यों हो जाते हो?
ये भी कोई पूछने की बात? मैं उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूं जब ये खड़ी खड़ी का इंतजार खत्म होगा, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। रूपा सो गई? रूपा भी हजम और पैसा भी हजम, भागा जा रहा है।
अशोक बाबू, मैं आ गई। अशोक बाबू, वक्त ने मुझे उस गाली का जवाब दे दिया जो मेरी मनहूस जबान ने आपको दी थी। अशोक बाबू, वो सचमुच दगाबाज निकला। वो सिर्फ मेरी दौलत से प्यार करता था। आप ठीक कहते थे। मैं न जाने आपको क्या कुछ कहती रही। मैंने एक देवता का अपमान किया। अब मैं इस घर में रहने के काबिल नहीं। आप धक्के देकर मुझे उन्हीं चीथड़ों में घर से बाहर निकाल दीजिए। मुझे उसी जगह अपना सर फोड़ने के लिए फेंक दीजिए जहां से उठाकर लाए थे। आप चुप क्यों हैं? मगर भगवान के लिए कुछ तो बोलिए। आपकी खामोशी मुझे पागल कर देगी। अशोक बाबू, अशोक बाबू, मोहसिन को खा जाने वाली डाय, नीच पापन। तुम मर क्यों नहीं जाते? तुमने अशोक मर क्यों नहीं जाते? तुम मर क्यों नहीं जाते?